बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम। हम भी ठीक हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है जी, बड़ी सर्दी पड़ रही है हमारे तो। हाँ, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। तो आज जी मैं बनाने लगी हूँ सूजी। ये सूजी मतलब कि एक तो हलवा आता है ना, वो हलवा नहीं, आज मैं बनाने लगी, आज मैं खुशक सूजी बनाने लगी। इसके लिए मैंने ना 1 पाव सूजी ले ली है। ये 1 पाव है, कटोरी में कम लग रही होगी। और उससे आधी मैंने चीनी ले ली है, ज़्यादा नहीं ली चीनी, क्योंकि खुशक में चीनी कम डलती है। और थोड़ी सी मैंने ये गरी ली है। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट जितना मर्ज़ी डालें, लेकिन मैं थोड़ी सी डाली क्योंकि ये सैन नहीं खाता, निकाल देता। फिर फ़ायदा क्या अच्छी चीज़ें डाल के निकाल के फेंकनी। तो उसके लिए ये मैंने घी लिया हुआ है, थोड़ा सा घी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया। ये देखिए घी गर्म हो चुका है। तो गैस देखें माशाल्लाह जी, कितनी प्यारी गैस आ रही है हमारी, बहुत ज़्यादा आ रही है, देख पकाने वाली गैस है। तो मेरे साथ रहना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये मैं सूजी किस तरह बनाती हूँ, बड़ी मज़े की बनती है। तो मैं बनाने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह जी रहमान रहीम। ये ले घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है, तब तक भूनना है जब तक ये इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। ऐसे मैंने भूनते जाना। घी अपनी मर्जी से डालना है, अगर घी मक्खन जो भी है देसी घी तो वो सबसे बेस्ट है, तो ये भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह भूनना है इसको। चीनी ये याद रखें कि ये सूजी से चीनी कम लेनी है आपने, बराबर नहीं लेनी, क्योंकि ये खुशक में चीनी कम अच्छी लगती, ज़्यादा नहीं लगती। ये हलवा नहीं, ये खुशक सूजी में बनाने लगी है। सर्दी बहुत है, मैंने कहा चलो बच्चों को बना के देती हूँ। तो जब इसकी खुशबू आने लगे तो समझ जाए आपकी ये चेना सूजी अच्छी तरह भून चुकी है। ऐसे चम्मच हिलाते जाना। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप ना करना, फुल वॉच करना। तो बेल के बटन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहना, मैं आप लोगों को ये सूजी तक ब्राउन होती मैं भून के दिखाती हूँ। चलो जी माशाल्लाह काफ़ी हद तक भून चुकी है, कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर ना ये डाल दूँगी जो मैंने गरी ली थी, थोड़ी सी मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं। तो बस थोड़ी सी देर रह गई भुनने वाली है, खुशबू तो आनी शुरू हो गई है। क्योंकि ये वाइट वाइट नहीं ना मैंने रखनी, हल्की सी लाइट ब्राउन करनी है। तब जब तक इसके अंदर मैंने घी इसलिए ज़्यादा नहीं डाला, तो जब ये खुशक हो जाएगी ना फिर घी ज़्यादा मतलब के नज़र आएगा। ये कौन सा हलवा बनाना है, हलवा बनेगा तो फिर मतलब हलवे में ज़्यादा घी डलता है ना सूजी, इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने कम डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हो। चीनी भी आप अगर ज़्यादा लेते हो तो आप ज़्यादा कर लें, अगर कम है तो कम खा लें। तो हम तो चीनी कम खाते हैं, इसलिए मैंने ना सूजी से कम ली है चीनी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये मतलब कि गर्मियों की सुगात, सर्दियों की सुगात है, सर्दियों में खानी चाहिए। गर्मियों में नहीं खाई जाती इतनी, क्योंकि इसके साथ घबराहट होती है, गर्म होती है ना। मैंने कहा चलो इस तरह बच्चे, वैसे बच्चे हलवा नहीं खाते, कहते ये क्या बना दिया हमें, इसलिए मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। वो पहले मैं सूजी लेने गई दुकान पर, तो वो भाई कह रहा आप ही इधर बूढ़े नहीं रहते जो हलवा खाएं, इसलिए हम सूजी नहीं रखते। तो मैंने कहा बूढ़ों वाली कौन सी बात है, ये तो हर चीज़ चलती है, मतलब ये सारी गर्मी सर्दियों की शुरुआत है। कहता नहीं हम ही सूजी रखते हैं। मैं काफ़ी दूर से जाकर लेके आई हूँ, मेरा दिल कर रहा था। मैं कहा चलो सर्दी काफ़ी ज़्यादा, तो ऊपर से गैस नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने ये गैस बहुत कम आ रही है। देखे हमारी गैस इतनी सी गैस पे मैं बना रही हूँ, तो वैसे भी इसके लिए ज़्यादा गैस की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखे माशाल्लाह भून चुकी है मेरी, ये लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर ना चीनी डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। ये ले जी, जो मैंने ये आप लोग अच्छी तरह बर्तन साफ़ किया करें, क्योंकि जिनके पास रिज़्क नहीं है, वो जो बेचारे बाहर से रिज़्क उठाते डस्टबिन से लेकर खाते, उनसे पूछें रिज़्क की कमी कदर करें, यकीन जाना अपने रिज़्क को ज़ाया ना करें, डस्टबिन में ना फेंकें। अक्सर लोगों का ये चावल बच जाते हैं या फिर रोटी बासी हो जाती है, लोग कहते हैं हमने नहीं खानी, तो रिज़्क को ज़ाया ना करें, रिज़्क की कदर उनसे पूछें जिनको नहीं, जिनके पास है। तो आपका जिस तरह के हालात चल रहे हैं, चले जी खैर माशाल्लाह बस 2-3 मिनट तक भूनूंगी इसको मैं, क्योंकि आँच बिल्कुल स्लो है, इसलिए ना वक्त ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मेरी वीडियो फुल वॉच करना, मैं बार बार कह रही हूँ वीडियो को स्किप ना करना। तो मिलते हैं इसको मुकम्मल करके। चले जी हमारी नई डिश जो मैंने बनाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने डिश आउट करके दिखा दी। ये ज़रूर बना के आप ट्राई करें, खाएँ, मज़े की ये डिश है। तो आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये देखें लाइट ब्राउन, पहले वाइट कलर था, अब लाइट ब्राउन हो गया। तो इंशाल्लाह मैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। मुझे दें इजाज़त, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।